विश्व कप से पहले भारत को कई अहम मैच खेलने हैं। टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे के लिए बहुत जल्द रवाना होगी, जहां वेस्टइंडीज के साथ 2 टेस्ट 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलेगी। पहला टेस्ट 12 से 17 जुलाई के बीच खेला जाएगा। इस दौरान टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ही होंगे। गौरतलब है कि चेतेश्वर पुजारा इस टेस्ट का हिस्सा नहीं है और अजिंक्य रहाणे को उप कप्तान के रूप में एक बार फिर से प्रमोट किया गया है। हालांकि यह फैसला बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने अजिंक्य रहाणे को टेस्ट में फिर से उप कप्तान बनाए जाने के फैसले पर हैरानी व्यक्त की है। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अपने एक बयान में कहा कि मैं इस फैसले को सही नहीं मानता। आप 18 महीने तक टीम से बाहर रहते हैं, फिर आपको एक टेस्ट खेलने का मौका मिलता है और आप उसके बाद उप कप्तान बन जाते हैं। मैं इस फैसले के पीछे की सोच को समझ नहीं पा रहा हूं। आपके पास रविंद्र जडेजा के रूप में एक शानदार विकल्प मौजूद था, वह लगातार टेस्ट टीम का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन सीधे वापसी के बाद किसी खिलाड़ी को उप कप्तान बनाए जाने के फैसले को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सौरव गांगुली ने अपने बयान में आगे कहा कि मेरा सिर्फ इस पर इतना ही कहना है कि ऐसे फैसलों पर आपको बेहतर तरीके से सोचना चाहिए। बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले के लिए लगभग 18 महीने बाद अजिंक्य रहाणे की टेस्ट टीम में वापसी देखने को मिली थी। अपने कमबैक टेस्ट मैच में रहाणे ने सभी को प्रभावित करते हुए 89 और 46 रनों की बेहतरीन पारियां खेली थी। हालांकि भारतीय टीम को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। विंडीज दौरे का पहला टेस्ट मैच 12 जुलाई को डोमिनिका के मैदान पर खेला जाएगा। इसके लिए भारतीय टीम में यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में 2 नए बल्लेबाजों की भी टीम में एंट्री देखने को मिली है। अब देखना होगा कि इस टेस्ट में अजिंक्य रहाणे कितना प्रभाव डाल पाते हैं। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।